हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है जिसमें कि हमने डिस्कस किया था अग्निपथ योजना के बारे में। अब रिसेंटली अग्निपथ योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करने के बाद उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पे अग्निपथ योजना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो आपका इस समय कई राज्यों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है कि अग्निपथ योजना को जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। और पहली और अराउंड 25,000 अग्निवीरों की भर्ती जो है इसी साल की जाएगी। और इसका जो पहला बैच है वो अग्निवीरों का, वो आपका दिसंबर में यहाँ पे लॉन्च होगा। तो इसके बारे में हम करेंट डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आपके इंडियन आर्मी में ये कब कब वैकेंसियाँ निकलेंगी और कौन कौन से इसमें चेंजेस किए गए हैं आपके अग्निपथ योजना में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अग्निपथ योजना का वीडियो भी हमने यहाँ पे देखा था जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि अग्निपथ योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। केंद्र सरकार इसमें युवा 4 साल के लिए जो है वहाँ पे सेंट्रल इंडियन यहाँ पे एयर जो भी आपकी सेना में भर्ती किए जाएंगे, और इस योजना में किसी भी रेजिमेंट के लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी कहीं भी इन पे यहाँ पे भर्ती किए जाएंगे, किसी में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो उम्र रखी गई थी वो पहले 17.5 साल रखी गई थी, अब इसको बढ़ाकर से 21 साल के बीच रखी गई, 17.5 से 21 साल के बीच इसमें उम्र रखी गई थी। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और जो हमने अग्निपथ योजना डिस्कस की थी उसके बारे में हमने देखा था कि 4 साल की नौकरी पूरी होने पर यहाँ पे जो युवाओं को 11.7 लाख रुपए के रूप में सेवानिधि यहाँ पे प्रदान की जाएगी, और इस राशि पर यहाँ पे कोई भी टैक्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये सब हमने अग्निपथ योजना की वीडियो में डिस्कस किया था, और साथ में ये भी देखा था कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए जो है वो आपका 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी जो है वो आपका अग्निवीरों को दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जितने भी युवा यहाँ पे भर्ती किए जाएंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, और यदि किसी कोई युवा युवा या अग्निवीर कोई शहीद हो जाता है तो उनको एक करोड़ रुपए की यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ में जितने साल 4 साल में से जितने भी साल उसके आपके कार्यकाल के रह गए हैं सेना में, उतने दिनों की यहाँ पे सैलरी भी उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे वो लगाया था कि 90 दिनों में यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी, और उसी के अंतर्गत जो है अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं बिहार, MP, राजस्थान, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली मना कर दिया है यहाँ पे कि इस योजना को जो है यहाँ पे वापस नहीं लिया जाएगा। और जो आपको 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भर्ती रैलियां होंगी वो आपकी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पूरे भारत में यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। और राज्यों ने भी अग्निवीरों को कई सौगातें दी हैं, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं अग्निपथ स्कीम जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अग्निपथ स्कीम में जो है वो आपके 4 साल के लिए युवा भर्ती किए जाएंगे और 4 साल बाद इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अराउंड 75% यहाँ युवा हैं जो भी आपके अग्निवीर के अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, और बाकी 25% जो युवा रहेंगे उनको आगे सर्विस में मौका दिया जाएगा। तीनों सेनाओं को संयुक्त बयान यहाँ पे जारी किया गया है कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कि इस योजना को वापस नहीं ली जाएगा, और अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर 2022 में यहाँ पे पूरे भारत में आयोजित की जाएंगी। और करीब 25,000 अग्निवीरों को जो है पहला बैच दिसंबर में सेना में शामिल होगा। अग्निवीरों के दूसरे बैच को अगले साल फरवरी तक सेना में शामिल करने का यहाँ पे तीनों सेनाओं ने यहाँ पे संयुक्त बयान दिया है जिसके अंतर्गत यहाँ पे भर्तियां की जाएंगी। वहीं बात की जाए कि इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी जो है अपना जून तक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देगा आपका जो भी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए। और पहला बैच जो इंडियन आर्मी का आएगा वो आपका नवंबर में इस बैच की यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। भारतीय नौसेना जून तक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की ब्योरे के साथ आएगी, और अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर तक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिपोर्ट करने लगेगा। वहीं इंडियन आर्मी ने ये भी नौसेना में यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये भी क्लियर किया गया नौसेना में तैनात महिला भी अग्निवीर के रूप में यहाँ पे भर्ती की जाएंगी। और इस दौरान भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया है 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का उड़ीसा में पहुंचना शुरू हो जाएगा, और इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति इसमें होगी। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे महिलाओं को भी यहाँ पे अलाउ किया है आपका इस योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के रूप में। वहीं इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स भी जो है वो आपका
24 जून को अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा और उसकी ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई को प्रारंभ होगी और अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2021 तक जो है इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों का पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। सेना के बयान के मुताबिक वायुसेना 24 जून को अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ करेगी और ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई को प्रारंभ होगी। वायुसेना में अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में शामिल किया जाएगा। 30 दिसंबर को इसका भी जो है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट बैच का जो अग्निवीरों का होगा अग्निपथ योजना के अंतर्गत उसका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। वहीं बात की जाए इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी भी यहाँ पे 25 जून तक जो है अपना एडवर्टाइजमेंट जारी कर देगी और नेवी 21 नवंबर को पहला अग्निवीर बैच यहाँ पे चाइनीस चिल्का उड़ीसा में यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा। तो इंडियन नेवी ने भी यहाँ पे तैयारियां कर ली है अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को भर्ती करने के लिए। तो ये यहाँ पे नेवी ने भी ये बोला है कि 25 जून तक जो है यहाँ पे जो है वहाँ एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया जाएगा और इनका जो पहला बैच उड़ीसा में 21 नवंबर तक यहाँ पे रिपोर्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। और इंडियन नेवी में भी जो है अग्निपथ योजना में महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का यहाँ पे इंडियन नेवी में मौका दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कुछ जो बदलाव किए गए हैं आपके अग्निपथ योजना में, जो इस समय लॉन्च स्टार्टिंग में जो लॉन्च की गई थी उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कि CAPF और असम राइफल्स में जो है वो जो भी आपके अग्निवीर होंगे, जो भी आपके 4 साल के बाद युवा अग्निपथ योजना के थ्रू अग्निवीर के रूप में सेना में जाएंगे और 4 साल के बाद जब रिटायर होके आएंगे तो उन अग्निवीरों के लिए यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा CAPF और असम राइफल्स में। वहीं मौजूदा साल में अग्निवीरों की आयु इस साल के लिए जो अभी जब ये योजना लॉन्च की गई थी अग्निपथ योजना, तो इसमें जो उम्र रखी गई थी युवाओं की वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखी गई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है वो आपका 21 से 23 साल कर दिया गया। 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवा इस योजना के अंतर्गत अग्निवीर बन सकते हैं। वहीं बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी जो है वो आपका इस योजना के अंतर्गत जो रिटायर अग्निवीर होंगे 4 साल की नौकरी करने के बाद उनकी नियुक्तियों में भी यहाँ पे इन 16 कंपनियों की नियुक्तियों में भी इनको आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा और अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारे बदलाव जो है वो यहाँ पे अग्निपथ योजना में किए गए हैं आपके। और वहीं बात की जाए राज्यों ने भी यहाँ पे कुछ घोषणाएं की हैं कि जो राज्य यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी आपके अग्निवीर होंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती अग्निवीर जब रिटायर्ड होंगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अग्निवीरों को जो है पुलिस भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने कहा है कि अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में नौकरियां दी जाएंगी जो भी आपके रिटायर्ड होके आएंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती अग्निवीर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि आर्म फोर्स से 4 साल बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को पुलिस विभाग में वरीयता दी जाएगी। वही कर्नाटक के गृह मंत्री ने यहाँ पे कहा है कि पुलिस विभाग की भर्ती में प्राथमिकता देने का यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया। अन्य गवर्नमेंटों के द्वारा यहाँ पे काफी सौगातें दी गई हैं अग्निवीरों के लिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवक पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में भी वरीयता यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने भी यहाँ घोषणा की है कि पुलिस और राज्य सरकार की सब्सिडी वाली योजनाओं में जो है वो यहाँ पे अग्निवीरों को यहाँ पे प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सारे बदलाव जो किए गए हैं वो आपके अग्निपथ योजना से रिलेटेड किए गए हैं और इसकी जो भर्ती होने वाली है वो रिसेंटली स्टार्ट होने वाली है आपकी अगस्त सितंबर और अक्टूबर में पूरे भारत में भर्ती रैली यहाँ पे आयोजित की जाएंगे और जो 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 बदलाव किए गए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए इस योजना के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्स्ट ऑफ स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।